ये बातें सुनकर आप कहेंगे कि ये क्या बकवास है, लेकिन अक्सर हम सब ने एक बात जरूर सुनी होगी कि जब भी कोई इंसान दुखी होता है या कोई बात को लेकर टेंशन में होता है, उस वक्त बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि काश दिमाग के पास भी कंप्यूटर की तरह डिलीट बटन होता तो हम वो बात को भुला सकते। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिमाग में भी कंप्यूटर की तरह डिलीट बटन होता है, जिसकी मदद से हम बेकार की बातों को अपने दिमाग से बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलिए जानते हैं दिमाग की काम करने की प्रक्रिया को। न्यूरोसाइंस के अनुसार मानव के दिमाग के अंदर भी कंप्यूटर की तरह एक सर्किट होता है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में न्यूरो सर्किट कहा जाता है। इस सर्किट की मदद से हमारे जीवन के लिए जरूरी बातों को स्टोर करके रख सकते हैं, और जो बेकार की बातें हैं यानी कि बिना जरूरत यादें हैं, उनको डिलीट करके बाहर कर सकते हैं, और जब चाहे तब उन यादों को वापस रिस्टोर भी कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में होता है। जैसे कि एक बात तो हम सभी को पता है कि हमारा दिमाग सुनी हुई या पढ़ी हुई कोई भी बात को कभी भी भूलता नहीं है, और अगर आप किसी एक बात को लंबे समय तक वापस इस्तेमाल नहीं करते हो तो वो बात आपका दिमाग धीरे धीरे करके आपकी यादों से हटा देता है, जिसकी बदौलत आप उस बात को भूल जाते हैं, पर आपका दिमाग खुद ही उन सारी यादों को मरम्मत करती रहती है ताकि ज़रूरत के समय वापस से लौट आ सके। न्यूरोसाइंस में इस प्रक्रिया को सिनेप्टिकल प्रूनिंग कहते हैं। अब जानते हैं कि ये सिनेप्टिकल प्रूनिंग क्या है। आम शब्दों में कहा जाए तो इंसान का दिमाग एक बगीचे की तरह होता है, जिसकी हर रोज मरम्मत की जरूरत होती है। एक माली हर दिन एक नए फूल उगाता है, और जो पुरानी हो चुकी है या खराब हो रही है उन चीज़ों को निकाल देती है। ठीक इसी तरह हमारे मस्तिष्क में मौजूद न्यूरो सर्किट की दो कोशिकाएं होती है, पहले ग्लियल कोशिका जो मस्तिष्क में नए जानकारियों को सक्रिय बनाकर रखती है, और दूसरी माइक्रोग्लियल कोशिकाएं जो दिमाग में मौजूद पुरानी बातों को डिलीट करती है। इस प्रक्रिया को सिनेप्टिकल प्रूनिंग कहा जाता है। आखिर ये डिलीट की प्रक्रिया होती कैसे है, जैसे कि हमने पहले ही बात की माइक्रोग्लियल की। माइक्रोग्लियल कोशिकाएं हमारे दिमाग से पुरानी बातों को डिलीट करती है ताकि नई बातों के लिए जगह खाली हो सके। इसके लिए यह कोशिकाएं हमारे दिमाग में मौजूद पुरानी यादों जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते उनको निशाना बनाती है, और प्रोटीन के साथ बांधकर उनको नष्ट कर देती है। इस तरह से डिलीट की प्रक्रिया होती है, जिससे आप नई बातों को सीख पाते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम बिना नींद लिए लगातार घंटों तक पढ़ाई करते रहते हैं, उस वक्त ऐसा लगता है कि आपका दिमाग थक गया है और आप जितना भी पढ़ लो याद नहीं होता। उस वक्त अगर आप 20 से 25 मिनट का नींद ले लेते हो तो माइक्रोग्लियल कोशिकाएं फालतू की बातों को दिमाग से डिलीट करके नए बातों के लिए जगह बना लेती है, जिसकी मदद से आप फ्रेश होकर नई बातें याद कर सकते हो। इसी वजह से नींद बेहद जरूरी है। क्या ये बातें आपको पता थी, हाँ या ना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टॉप 10 बेस्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।